दुर्गा विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रशासन के द्वारा निपनिया, बड़ी पुल, बिछिया, करहिया स्थित घाटों में प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था बनाई गई है। तीनों घाटों का निरीक्षण कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा किया गया है, जहाँ प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि करहिया में बनाए गए घाट को आने वाले समय में और विस्तृत किया जाएगा। पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीमें, यातायात व्यवस्था से लेकर लाइट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मुख्य रूप से बिछिया और करहिया घाट को प्रतिमा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने प्रतिमा विसर्जन को लेकर किए गए घाट निरीक्षण के दौरान क्या कहा है। आप देख रहे हैं, इसको मेंटेन कर दिया गया है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है और यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि सुविधाजनक ढंग से और बिना किसी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए यहाँ पे अच्छे तरीके से विसर्जन हो जाए। सभी विभागों की टीम की ड्यूटी लगा दी गई है। ये जो लाइट्स हैं उसको भी सबको चालू कर दिया गया है। एडिशनल लाइट के अरेंजमेंट्स भी हो रहे हैं पार्किंग के, और जो स्टॉपेज के हिसाब से जो व्यवस्थाएं बनानी है वो सारी बन रही है। टीम की ड्यूटीज लग गई है, रेवेन्यू की, नगर निगम की और पुलिस की। और चूंकि शहर से थोड़ा सा बाहर है तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से भी समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो इसका फ्यूचर में डेवलपमेंट हो उसमें मूर्तियों के विसर्जन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी हो, पार्किंग की व्यवस्था करनी है, उसको भी पूरे प्लान में इंटीग्रेट करेंगे। अभी इस साल के अनुभव से हम लोगों को जो जो इश्यूज समझ में आएंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो इसमें हम लोग उसको इंसर्ट भी करेंगे, ताकि भविष्य में भी चाहे वो गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो या माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन हो, सुविधाजनक ढंग से समारोह पूर्वक और बिना असुविधा के हो जाए। घाट कहाँ कहाँ पर बना है, कहाँ कहाँ पर विसर्जन होगी मूर्ति? पुराने जो घाट जैसे विश्वकर्मा घाट, वहाँ जो मेजर बिछिया घाट पे और यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ जो काम हो रहा है उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उसके लिए एक ऐसा प्लेस मुहैया कराएं जिसके माध्यम से आप बिना ट्रैफिक कंजेशन के अपने त्यौहार मना सके, छोटे मोटे कार्यक्रम कर सके और अपनी जो हेरिटेज की चीज़ें हैं उसको संरक्षित भी कर सके। तेज़ी से इस पे काम हो रहा है और आने वाले 2-3 महीनों के बाद हम लोग बहुत सारे इवेंट न केवल यहाँ बल्कि जो रिवर फ्रंट बन रहा है उस पर भी आपके साथ करने वाले हैं।